Yeah. What? What is so funny? What is so funny, Ashray? What? What? Okay, give me a kiss. हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप। मैं हूं माही और स्वागत करती हूं मेरे चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स विद माही में। आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने वाली हूं कि आप एलोवेरा से क्लिंजिंग कैसे कर सकते हैं, क्लीनअप कैसे कर सकते हैं। आप कोई अगर फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं तो उसको इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सिंपल है दोस्तों, एलोवेरा चाहिए उसको आप 4 टुकड़ों में काट लीजिए, 4 आपको उसके टुकड़े चाहिए और 1 पीस के ऊपर आपको थोड़ी सी हल्दी लगा देनी है। दूसरे पीस को आपको ये जो बोल देख रहे हैं आप, इसमें मैंने गुलाब जल के रखा है उसमें डाल दिया है और बाकी के 2 पीसेस को हम इसके ऊपर बेसन लगा देंगे। तो ये आप चाहे तो इसको 3-स्टेप क्लीनअप बोल सकते हैं, चाहे तो आप इसको डेली एज अ फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको फेस वॉश की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डेली सुबह या शाम किसी भी टाइम 5 से 6 मिनट के लिए रब कीजिए चेहरे पर। और नहीं, अगर आप इसको एज अ क्लिंजिंग यूज़ कर रहे हैं या एज अ क्लीनअप यूज़ कर रहे हैं तो वीक में 1 बार या मैक्सिमम 2 बार इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा सा ही बेसन लेना है और बाकी के जो 2 पीसेस हैं जिसके ऊपर एलोवेरा है, एलोवेरा जेल है, उसको इस बेसन के ऊपर रख देना है ताकि ये जो जेल है बेसन को अच्छे से सोख ले। अब सबसे पहले लेना है वो जो हल्दी जिसके ऊपर लगाई थी हमने थोड़ी सी, उसको अपने चेहरे पर रब करना है। हल्दी और एलोवेरा तो मैं अपने चेहरे पर डेली लगाती हूँ, इसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं मुझे, मेरे चेहरे पर दाग धब्बे पहले से बहुत कम कर दिए हैं इसने। और हल्दी तो वैसे भी सबको पता है कि एंटी बैक्टीरियल होती है, चेहरे के सारे दाग धब्बे दूर करती है और चेहरे के रंग को निखारती है, स्किन को गोरा करने में, स्किन को ब्राइटन करने में, ग्लोइंग करने में हल्दी का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आप हल्दी को चेहरे पर डेली इस्तेमाल कर सकते हैं और एलोवेरा जेल मिक्स कर लेंगे तब तक तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सेकंड नंबर पर जिस बोल में हमने गुलाब जल और एलोवेरा का ये पीस डाला था उसको अपने चेहरे पर 1 मिनट के लिए रब करना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए रब करना है। और थर्ड नंबर पर आएगा हमारा ये बेसन वाला, तो जिस एलोवेरा के ऊपर आपने बेसन रखा था या बेसन मैंने उसमें डिप किया था उसको अपने फेस पर मैं अच्छे से मसाज कर रही हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। वो जो एलोवेरा जेल में जब बेसन लग जाता है तो चेहरे पर इतना आसानी से वो लगता नहीं है, उसको टाइम लगता है। तो सबसे मेन चीज़ वही है कि एलोवेरा जेल के अंदर बेसन मिलाकर रब करेंगे तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, 1 से 2 मिनट के लिए उसको कोशिश कीजिए, अगर आपके चेहरे पर वो जेल के साथ रब होता है तो ठीक है। और उसके बाद क्या कीजिए, जो आपने गुलाब जल लिया था जिस लीफ के ऊपर, उस लीफ को ले लीजिए और फिर इस बेसन को अच्छे से मसाज कीजिए। तो क्या होगा, ये पूरा बेसन अच्छे से चेहरे पर स्प्रेड हो जाएगा और चेहरे में जेल तो चली ही गई है, बेसन भी आ गया है और गुलाब जल भी आ गया है। तो तीनों चीज़ों का ये जो मिक्सचर है ना, ये जो बहुत अच्छे से फेस को क्लिंजिंग करता है, एलोवेरा जेल चेहरे को बहुत ही बढ़िया से मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है और साथ के साथ जो हमारे चेहरे पर रिंकल्स आ जाते हैं, आने वाले होते हैं, उसकी प्रक्रिया को ये स्लो कर देता है, उसके जो रिंकल्स आने होते हैं उसको ये बहुत स्लो कर देता है और दूर करता है। तो आप इसको सिर्फ एलोवेरा जेल भी अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। और बेसन क्या करेगा, स्किन को क्लीन अप करेगा, अच्छे से क्लिंजिंग करेगा, अच्छे से स्क्रब की तरह काम करेगा और ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स जो छोटे मोटे हल्के फुल्के हो जाते हैं उनको निकाल देगा। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए फेस पर अच्छे से रब करना है और फिर जो बेसन आपके पास बच गया हो थोड़ा सा, उसी को सेम जो गुलाब जल हमारे पास है उसी में मिक्स करके अच्छे से देख लीजिए, मैंने सारी एलोवेरा जेल को अपने फेस पर बेसन के साथ अच्छे से रब करके ख़त्म कर दिया है। तो ये इसको थोड़ा टाइम लगता है बेसन को एलोवेरा जेल के साथ मिक्स होने में, लेकिन ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा देता है। उसके बाद से जो बेसन और गुलाब जल बच जाए उसको अपने चेहरे पर अच्छे से लगा लीजिए और कम से कम 15 मिनट्स के लिए अपने चेहरे पर छोड़ दीजिए। बहुत ही अच्छा ग्लो आता है, वीडियो के लास्ट में आप देखिएगा कितना अच्छा ग्लो आएगा। तो जो बेसन और गुलाब जल है उसको अपने चेहरे पर लगा के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब ये सूख जाए तो अपने हाथों को गीला कीजिए और धीरे धीरे मसाज, ये देखिए सूख गया है तो मैं अपने हाथों को गीला करके अपने चेहरे पर मसाज कर रही हूँ। और मेरी बेटी सो रही थी जब मैंने ये पैक लगाया था और बाद में ये उठ गई, इसके लिए ये देवी जी यहीं खड़ी हैं और यहाँ से हिल नहीं रही हैं। तो चेहरे पर इसको अच्छे से मसाज करते हुए गीला कर लेना है, हाथों को मसाज करते हुए इसको निकाल देना है, उसके बाद से अपने चेहरे को धो देना है। रब इसलिए करना है दोस्तों ताकि जो आपके ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हैं वो भी निकल जाएं और चेहरा जो है आपका क्लीन हो जाए, साफ सुथरा हो जाए अच्छे से। तो मैंने यहाँ अपना फेस देख लीजिए टॉवल से क्लीन कर रही हूँ और कितना सॉफ्ट एंड स्मूथ लग रही है मेरी स्किन।
और जब चेहरा आप धो देंगे तो ये देख लीजिए कितनी फ्रेश लग रही है मेरी स्किन और कितना अच्छा टेक्सचर हो गया है स्किन का। तो बहुत ही मस्त है ये, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रिज़ल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और किसी भी एज के लोग इसको लगा सकते हैं और बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एज अ क्लीनअप यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको वीक में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, कम से कम एक बार तो इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और अगर एज अ फेस वॉश इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डेली यूज़ कीजिए, बस टाइमिंग थोड़ी सी कम कर दीजिए, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए चेहरे पर रब कीजिए और उसके बाद से धो दीजिए। और एज अ क्लीनअप यूज़ कर रहे हैं तो आपको कम से कम इसमें आधा घंटा लगेगा, तो आप अपने तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।